राम राम। इतना मीठा शब्द है ना, मन में आनंद को रंग देता है। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा और उसका दोस्त रहा करते थे। दोस्त भी बहुत धनवान था, सर्वगुण संपन्न था। धीरे धीरे समय का कालचक्र ऐसा गुजरा कि राजा तो राजा रहा और दोस्त निर्धन हो गया, बहुत ही ज़्यादा गरीब हो गया। अब वो दोस्त जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा था तो उसकी पत्नी ने बोली, अरे सुनते हो, आपके दोस्त तो राजा हैं, अभी आप सुदामा बन के अपने मित्र सखा कृष्ण के पास क्यों नहीं जाते हो? अर्थात आप अपने दोस्त के पास जाओ और उनसे कुछ हेल्प मांगो। तो दोस्त ने सोचा, राजा है, मैं सुदामा बन के याचक बन के जाता हूँ, शायद मेरा दोस्त मेरे को पहचान ले और मेरी बात को सुन ले। वो पहुँचा राज दरबार के गेट पे, जाके उसने संतरियों को बोला कि मैं महाराज का मित्र हूँ और महाराज से मिलने आया हूँ। तो दरबारियों ने देखा एक गरीब मेले कुचे कपड़े में आया हुआ है, तो दरबारियों ने सोचा शायद हो सकता है ये कोई राजा का मित्र हो। तो उसने पहले भगाने की कोशिश की कि तुम चले जाओ यहाँ से, तुम किसी प्रकार से राजा के मित्र नहीं लगते हो। लेकिन उसने बहुत हट की कि बोले मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं कभी राजा का बहुत अच्छा मित्र हुआ करता था, आज मैं गरीब हूँ लेकिन राजा को मेरा नाम ले लेंगे तो वो दौड़े चले आएंगे। तो संतरियों में से कोई माने नहीं, लेकिन एक मंत्री वहाँ से गुजर रहा था, उसने सोचा राजा जी को इन्फॉर्म कर देते हैं। बहरहाल उसने राजा को इन्फॉर्म किया कि आपका मित्र आया है, इस प्रकार से अपना नाम श्री रामलाल बता रहा है। तो राजा दौड़े दौड़े अपने दोस्त के पास चले गए और रामलाल को अंदर ले आए। ये ऐसा ही नज़ारा था जैसे कृष्ण सुदामा के आने के बाद दौड़े दौड़े नंगे पांव चले गए थे और अपने मित्र सुदामा को साथ लेके आए थे। सभी लोग देखने लग गए, एक फटाकुटला मेला फटियाहाल में एक फटीचर रामलाल नाम का आदमी राजा के साथ आचल के आ रहा है। राजा उसे अपने गले में गले डाल के या हाथ में हाथ डाल के उसके लेके आ रहे थे। पूरी प्रजा बड़े आश्चर्य से राजा और रामलाल को देख रही थी। बहुत खातिरदारी करी और रामलाल को राजा ने पूछा, और बताओ रामलाल कैसे आना हुआ, आज बहुत दिनों बाद तुम्हें मित्र की याद आई। पहले रामलाल बहुत सकोचा रहा था, संकोच कर रहा था कैसे बताऊं। फिर उसने बताया कि राजा मेरे तो भाग्य ही बदल गए, मेरी किस्मत बहुत ख़राब है और मुझे किस्मत में कुछ भी नहीं मिला, मेरे पास जो भी कुछ था सारा चौपट हो गया, मैं कंगाल हो गया हूँ, मेरे पास खाने के भी लाले पड़ते हैं। राजा ने बोला, तो मैं हूँ ना, क्यों टेंशन लेता है, जा तुझे को जो चाहिए वो ले ले। उसको एक रत्न से भरे खजाने में भेज दिया कि 3 घंटे के समय में जितना भी तू ले सकता है उतना तू रत्न आभूषण ले ले। रामलाल खुशी खुशी राजा को धन्यवाद देने के बाद उस रत्न आभूषण के कमरे में चला गया और 3 घंटे की समय सीमा को ध्यान रखते हुए उसने 2.5 घंटे के करीब, 2.5-3 घंटे के करीब रत्न आभूषण जितने भी अपने थैले में वो समेट सकता था उसने अपने थैले यानी उस बोरे में भरने की कोशिश की और भर भी लिया। जैसे ही वो बाहर निकलने लगा तो दरवाजे के पास देखा एक बहुत ही सुंदर खिलौने पड़ा हुआ था सोने का, अद्भुत चमक थी उसमें। रामलाल ने देखा, यार ये चीज़ ज़बरदस्त लग रही है, इसके साथ देखा जाए। तो वो खिलौने इस प्रकार से थे, उनको जैसे हाथ लगाए वो फुदक जाए, कुछ करतब कर जाए, तो रामलाल का मन बच्चों की तरह बहक गया और उन खिलौनों से वो खेलने लग गया। और धीरे धीरे उसको समय का पता ही नहीं चला। 3 बजने के बाद जब 3:30 बज गए तो एक मंत्री ने आके बोला, रामलाल जी आपका समय समाप्त हो गया है, अब आप यहाँ से कुछ भी लेके नहीं जा सकते। रामलाल बड़ा नाराज़ हो गया, बड़ा दुखी हो गया, अपने आप को बड़ा कोस रहा था, ये मेरे से क्या हो गया। सारी आप बीती राजा को बताई उसने, तो राजा ने बोला, कोई बात नहीं यार, ये आप तुम नहीं ले पाए हो तो मैं तुम्हें एक काम करता हूँ, सोने से भरे हुए एक भंडार में भेज देता हूँ, वहाँ भी तुम्हारे पास 3 घंटे हैं और तुम वहाँ से भी जो चाहते हो वो ले लेना, 3 घंटे में जितना तुम ले सकते हो उतने दोनों हाथों से समेट लो और अपनी गरीबी को दूर कर लो। रामलाल ने सोचा दोस्त तो सही कह रहा है, राजा को धन्यवाद दिया उसने और पुनः बढ़ गया वो उस सोने के खंडार खजाने की तरफ और भंडार में जाके वो अपने बोरे में जल्दी जल्दी सोने का भरने लगा। अब वो वहाँ पे
बड़ा ध्यान रखना था कि इस भंडार कक्ष में मुझे सोने का जो आभूषण है भरने का टाइम निश्चित है और समय से समय पर मुझे बाहर भी निकल जाना है। अब रामलाल ने 2.5 घंटे में ही वो पूरा भर दिया, इनफैक्ट 2.25 घंटे में ही उसने पूरा बोरा भर दिया। अब वो बाहर निकलने की फिराक में था, अब मैं बाहर निकलता हूँ। वो गेट से थोड़ा ही दूर उसको एक घोड़ा नजर आया, उसके ऊपर चांदी की अस्तबल लगा हुआ था पूरा। तो उसको देख के उसके पुराने दिन याद आ गए, ये वही घोड़ा हुआ करता था जिसमें मैं राजा के साथ बैठ के शहर के साथ मैं भ्रमण किया करता था, शिकार पे जाया करता था। क्या ठाट बाट के दिन थे। उसने सोचा अभी तो 2:15 बज रहे हैं, पौना घंटा है, आधा घंटा मैं इसको साथ गुजार लेता हूँ, घोड़े पे बैठ के घोड़े को चला लेता हूँ और थोड़े आनंद ले लेता हूँ, उन पुराने दिनों को वापस अनुभव कर लेता हूँ, क्योंकि सोना तो मेरे पास आ ही गया है। घोड़े के पास गया, घोड़े को निहारा और जाके बैठ गया घोड़े के ऊपर और घोड़े को इधर उधर वो चलाने लगा। वो घोड़े को चलाने में इतना मग्न हो गया, उसको पता ही नहीं चला कब 3 बजे, कब 2:45 बजे, कब 3 बजे, कब 3:30 बज गए, 4 बजे, 4 घंटे हो गए मतलब। तो वापस संतरियों ने आवाज़ दी, रामलाल जी आपका समय समाप्त हो गया है, आपने 3 घंटे नहीं बल्कि 4 घंटे व्यतीत कर लिए हैं यहाँ पे, अब यहाँ से आप कुछ भी लेके नहीं जा सकते। रामलाल को बड़ा पछता हुआ, अरे यार मैंने क्या कर दिया, थोड़े से लालच में आके मैं घोड़े के पे बाद में बैठ जाता। अब रामलाल वापस बाहर आया, राजा ने मिला, हाँ रामलाल सब समेट लिया। तो रामलाल ने सब बताया कि राजा महाराज मेरे से तो वापस वही गलती हो गई जो मैंने गलती पहले की थी। राजा ने बोला कोई बात नहीं, मैं कुछ देखता हूँ। अब यहाँ पे राजा ने बोला कोई बात नहीं, तुम इस बार चांदी के इस भंडार गृह में जाओ और 3 घंटे में जितना समेट सकते हो उतनी चांदी समेट लो और अपने साथ सारी चांदी यानी रजत ले जाओ। रामलाल बड़ा खुश हुआ, मन ही मन राजा को सच्चा मित्र होने पर बल दिल से दुआ दे रहा था कि कैसा मित्र है, मैंने 2 बार कुछ भी कर दिया लेकिन इसने मुझे 3री बार भी मौका दिया है। अब वो चांदी के उस भंडार कक्ष में गया, वहाँ जाने के बाद में उसने देखा चारों तरफ चांदी चांदी है। वो जल्दी जल्दी अपने बोरे में जितनी चांदी भर सकता था उतने भरने की कोशिश करने लगा, छोटे छोटे आभूषण, बच्चों के खिलौने, बच्चों पे वाइफ की पायजब, कान के, नाक के, गले के, झुमके, कमर के, सब जो उससे मिला उसने अपने बोरे में भरने की कोशिश की और सारे बोरे को उसने लबालब भर दिया। अब जैसे ही वो बाहर निकलने लगा तो उसके गेट से जस्ट पहले एक चांदी का कुछ लटका हुआ था, उस पर लिखा था इसे एक हाथ से सुलझाने की कोशिश मत करना, सुलझा नहीं पाओगे। उसने सोचा बहुत टाइम है यार, ये किसने लिखा, इसको हो सकता है इसके पीछे बहुत कुछ बड़ा गहरा खजाना छुपा हो और मैं मूर्खों की तरह निकल जाऊँ यहाँ से। तो वो उसको एक हाथ से सुलझाने लगा, तो सुलझा लगा, उसको कुछ नहीं हो रहा। तो एक तरफ नज़र पड़ी कि दूसरे दोनों हाथ का तो बिल्कुल भी उपयोग मत करना वरना यहीं फंस जाओगे। बोला कि ये तो मैं इसका भ्रम तोड़ के रहूँगा। उसने दोनों अपने बोरे को रखा एक तरफ, दोनों हाथ से उस कुत्ती को सुलझाने लग गया। वो गांठ खुले खुले और न खुले, वो खुली ही नहीं। 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा टाइम हो गया और वो तो 4 घंटे, 4.5 घंटे हो गए। तब बाहर से वापस उस मंत्री ने आवाज़ दी, रामलाल जी आपका समय तो बहुत ज़्यादा हो गया है, इस बार तो आपने 3 घंटे नहीं बल्कि 4.5 घंटे ले लिए हैं, अब आप यहाँ से कुछ भी लेके नहीं जा सकते। अब रामलाल वापस मुंह लटका के राजा के पास पहुँचा, रोने लग गया। राना राजा बोले रो मत रामलाल, सब किस्मत का खेल है, मैं तुझे एक आखिरी मौका देता हूँ, जा ये तांबे का जो भंडार है इसमें से जितना तांबा तू ले जा सकता है उतना लेके जा, तेरे पास बोरे नहीं हैं तो और बोरे ले जा। अब रामलाल ने सोचा इस बार कोई गलती नहीं करनी है, सारे तांबे के भंडार में जितना तांबा ले जा सकता हूँ उतना ले जाऊँगा लेकिन खाली हाथ नहीं जाऊँगा। रामलाल गया, एक बोरा भरा, 2 बोरा भरा, 3 बोरा भरा, तांबे में तो बहुत वजन होता है, बोरे भर दिए, उठा उठा के रख रहा है। तो रामलाल की तो कमर में भाई साहब हो गया भयंकर दर्द, अब रामलाल से चला नहीं जाए। रामलाल ने सोचा अब कुछ नहीं हो सकता, ये तांबे के बोरे भरे के भरे रह गए, थोड़ी देर में रेस्ट करूँगा तो ही उठा पाऊँगा, अदरवाइज मैं एक भी बोरा यहाँ से साथ लेके नहीं जा पाऊँगा। पास में पलंग लगा हुआ था, शानदार बिस्तर, ठंडा पानी रखा हुआ था। रामलाल ने थोड़ा ठंडा पानी पिया और बिस्तर थोड़ा सा बैठा, बैठने पर उसकी कमर में कोई ज़्यादा उसको राहत महसूस नहीं हुई, उसने बोला लेटना पड़ेगा, खिंचाव आ गया लगता है। रामलाल लेट गया,
ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, ठंडा पानी पिया, कमर का दर्द, उतनी थकान, लगातार 12-14 घंटों से काम कर रहा है रामलाल सोना चांदी आभूषण में, तो रामलाल गया थक, उसको आ गई नींद, तो वो उसको बच के 5 घंटे हो गए। तो जाके मंत्री ने बोला, रामलाल जी बाहर आ जाइए। तो रामलाल बोला, अरे यार ये क्या हो गया, जल्दी जल्दी उठने लगा। तो देखा कि रामलाल जी अब कुछ मत कीजिए, 5 घंटे हो गए हैं, अब आप यहाँ से कुछ लेके नहीं जा सकते। वापस मंत्री राजा के पास ले गए रामलाल को। रामलाल ने अपने दोस्त राजा को बताया कि बहुत बड़ी गलती हो गई। राजा ने बोला, रामलाल ये तेरे अकेले की गलती नहीं है, ये जीवन में सबसे होती है। बचपन में खेलने में लगा देते हैं, जवानी में शादी ब्याह व्याह में लग जाते हैं, और बीच में धन संचय में लग जाते हैं, और बुढ़ापे में आके कहते हैं मैं भगवान की भक्ति करूँगा या अच्छे कर्म करूँगा, तो कहाँ से कर पाता है। वो मात्र पलंग पे पड़ा रहता है और चाहते भी कुछ नहीं कर पाता है। सोचता है मैं ये कर लेता, मैं वो ले लेता, मैं सोना ले लेता, चांदी ले लेता, इस प्रकार से भगवान का नाम ले लेता तो मेरा ये जीवन, तो साथ साथ अगला जीवन भी, जन्म भी सुधर जाता। तो आप समझ गए होंगे इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। भगवान को स्मरण करें, भगवान को याद रखें, हर क्षण हर पल प्रभु को जय श्री राम जरूर।